Morning, children. Welcome to class. And today I am going to take a class of class 8. So, student of class 8, listen carefully. Class 8, subject SST. Yes, geography. Geography class. अभी ले रहे हैं तुम्हारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 18 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज चैप्टर 18 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज बनकर आती है वही मिनरल्स के रूप में होती है जिसका दो प्रकार होता है
दैट प्रोड्यूस ओन साउंड. जब भी जैसे लोहा उसको मारते हैं जैसे टन सा आवाज आता है, कॉपर को भी ऐसे मारेंगे तो विशेष प्रकार का जो आवाज आता है, और साथ ही उसमें कुछ चमक होती है, एक अपनी उसमें एक चमक होती है, साथ ही इलास्टिसिटी होती है, उसको लमड़ाने पर जो है हम लमड़ा सकते हैं. जैसे कॉपर है, कॉपर को पीट पीट कर चाहिए लमड़ा सकते हैं, गोल्ड को पीट पीट कर जो है लमड़ाया जाता है, छोटे छोटे पतले पतले जो तार बनते हैं, है ना. तो ऐसी चीज इलास्टिसिटी यानी कि उसको लमड़ाया जा सके, फैलाया जा सके, स्ट्रैक्ट हो सके, स्प्रेड हो सके. तो ये चीजें जो है मेटेलिक में पाए जाएंगे और यही चीजें जो है वो क्या होगा मेटेलिक कहलाएंगे. जिसमें हमारा एग्जाम्पल है सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, और इस तरह से बहुत सारे ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि मेटेलिक मिनरल्स में पाए जाते हैं. ठीक है, तो ये मेटेलिक जो मिनरल है, आप चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे नॉन मेटेलिक के बारे में कि नॉन मेटेलिक आखिरकार क्या है. नॉन मेटेलिक मिनरल्स दीज मिनरल्स हैव नॉट मेटल These minerals have not metal content. These include means it means in non-metallic things. There is no any whiteness and elasticity. Now they जिप्सम कूल रॉक. तो चलिए आज देखते हैं हम लोग नॉन मेटेलिक मिनरल्स में, नॉन मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि हमने अभी बात किया है, हमने बात किया मिनरल्स के बारे में कि आखिरकार मिनरल्स तो कैसे ये होता है, क्या है. तो मिनरल्स में हमने बात किया कि मिनरल्स वाली जो चीज है उसको हैमरिंग करने पर हवा निकलता है, वो फैलता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है. लेकिन जो नॉन मेटेलिक होते हैं उसमें ऐसी कोई भी गुण नहीं होता है, दे आर नॉट मेटल कॉन्टेंट, कोई भी मेटेलिक वाली गुण नहीं होती. It means that non-metallic are there is no brightness elasticity and they are found on the cluster here. जो minerals जो थे वो metallic वो क्या थे, वो धरती के अंदर पाए जाते हैं, धरती के वो अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये जो धरती के ऊपर ही पाए जाते हैं वो भी rock के form में है ना, जैसे graphite हो गया, gypsum हो गया, है ना, इस type में. ठीक है, अब देखिए आगे का mineral मिलता कैसे है. What are the types that we have to use to find out
such kind of minerals in a form of metallic and non-metallic. आखिरकार हम लोग करते क्या है? तो सबसे पहले है माइनिंग. सम आइडियाज टू फाइंड आउट ऑब्टेनिंग ऑफ मिनरल्स. कुछ कुछ ऐसे आइडियाज जिसके बारे में आज हम लोग बातें करेंगे, जानेंगे क्या ऐसी चीजें हैं जिसके काम में मिलता है. उसमें से सबसे पहले हमारा है माइनिंग. माइनिंग का मतलब होता है खुदाई. माइनिंग का मतलब क्या होता है? खुदाई. ठीक है, तो देखिए आगे का क्या है. द एक्सट्रैक्शन ऑफ minerals is called mining. It is cost effective to mine a substance ठीक है, इतना ही रख लीजिए, इसको समझना बहुत जरूरी है. देखिए अभी हम लोग बातें करेंगे कुछ कुछ आइडियाज के बारे में जिससे हमको मिनरल मिलता है. क्या मिलता है? वो है हमारा माइनिंग. माइनिंग मतलब होता है खुदाई. तो खुदाई भी अलग अलग तरीके का होता है. एक होता है ओपन माइनिंग, यानी कैसे खुदाई करके छोड़ दिया जाता है, जैसे कि कोल वगैरह कोयला वगैरह जो खुदाई की जाती है वो ऐसे ही मिलता है और वो खुदाई करके ही जो है निकाला जाता है, वो ओपन माइनिंग होता है. बड़े बड़े जो है वो इसमें यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है. एक होता है ड्रिलिंग, जिसको ड्रिल करके निकाला जाता है. अब जैसे कि पाइप सिस्टम से हमारा मिनरल्स निकालने के लिए आपको डीजल पेट्रोलिंग सब का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि डीजल पेट्रोलिंग में ये सभी चीजें जो है वो पाई जाएंगी. और साथ ही डीजल और पेट्रोल जो है इसी ड्रिलिंग माध्यम से जो है मिलता है. और इन चीजों में एक चीज खास बात देखने को होती है, क्या इनका भी ये सब भी और भी है और ये काफी कॉस्टली होते हैं, क्योंकि माइनिंग करने में बड़े बड़े जो उपकरणों का इस्तेमाल होता है उसमें काफी ज्यादा खर्च आते हैं. बड़े बड़े रिसोर्सेस चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको निकालने के लिए पेट्रोल डीजल लगता है ना, इतने बड़े बड़े यंत्रों को चलाने के लिए. तो इतने बड़े बड़े यंत्रों को चलाने के लिए इतना बड़ा बड़ा काम होता है, कुछ चीजें हैं वही निकल के सामने आती है और काफी उस पर खर्च होता है. और इसीलिए ये जो मिनरल्स है वो काफी खर्चीला होता है और इसी मिनरल्स को हम लोग प्राप्त करते हैं. और साथ ही ये भी जान पाते हैं कि इन चीजें जो मिनरल्स हमें मिली हैं तो वो कैसे मिली हैं और इनकी कीमत कितनी है. तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही. अगली कक्षा में हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे माइनिंग किया जाता है, ड्रिलिंग के मेथड से, ओपन मेथड से, और कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है. तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और पढ़ाई करते रहे और इसका क्वेश्चन आंसर भी आप लोग पूरा करके आए. साथ ही आपको इसके बेस्ट कुछ कुछ क्वेश्चन जो दिए गए हैं आप उसको कर ले. वो सबसे पहले बहुत ही जरूरी है उसको जानना, उसको समझना, ताकि ये सभी चीजें जो है समझ में आए. चलिए ठीक है, अब अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे. तब तक लिए आप इसको उतारें. तो धन्यवाद.